छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश में एक तरफ हाथरस की गर्मी अभी कम भी नहीं हो पाई थी कि दूसरा मामला बाराबंकी के पिपरी गांव में 17 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, आज ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आ रहा है, जहां पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। वहीं परिवार का आरोप है कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला युवक अशोक सिंह उनकी बेटी को आए दिन छेड़ा करता था। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर एक दिन मृतक का पिता आरोपी के पिता से मिला था, मगर आरोपी के पिता ने बेटी की शिकायत पर अपने बेटे से कुछ कहने की बजाय उल्टे पिता और उसकी पुत्री को ही गालियां दी और घर से भगा दिया। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि दोबारा अगर शिकायत लेकर आए तो तुम्हें मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। इन सब बातों से आहत होकर स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा रश्मि ने खुदकुशी कर ली। पूरा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान निवासी राम प्रकाश की पुत्री रश्मि का है, जिसको अशोक सिंह पुत्र दान सिंह लगातार आते जाते समय छेड़छाड़ करता था। आरोपी युवक के पिता द्वारा सार्वजनिक तौर पर अपमानित किए जाने से क्षुब्ध होकर छात्रा रश्मि द्वारा खुदकुशी कर जान दे दी गई। मृतक छात्रा के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी पुत्री की मौत के जिम्मेदार अशोक सिंह व उनके पिता दान सिंह हैं, जो कि काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं। फिलहाल मृतक छात्रा के पिता द्वारा थाने पर तहरीर दे दी गई है, जिसका मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में SP ग्रामीण अर्पणा गौतम का क्या कहना है, आइए देखते हैं शाहजहांपुर से दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। शर्मा, मोहल्ला कानून गोयान प्रेमनगर। लड़की को जो है मोबाइल दान सिंह के लड़के ने दिया शौक में, तो हमने मतलब उनके उनके घर पे शिकायत की जाके, तो उन्होंने ये कहा कि तुम साले अपनी लड़की को नहीं डांटते, हम पे दोष देते। तो लड़के को हमने जरा समझाया बुझाया, उसे सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने 1:15 पर फांसी लगा लिया। फील्ड यूनिट की टीम एवं अन्य टीमें इसमें लगाई गई हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई।